हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। फहद के लॉग में आप सबका खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत होंगे। आप सबकी दुआ के बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैंने आपको कहा था कि मैं एतकाफ़ में बैठा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एतकाफ़ कम्प्लीट हो गया, मतलब मुकम्मल हो गया। 10 दिन का सफ़र काफ़ी अच्छा गुजरा था, काफ़ी मज़ा भी आया, मतलब क्योंकि एतकाफ़ में ज़्यादातर कुरान पाक वगैरह पढ़ना पड़ता है, नमाज़ें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, तो काफ़ी मज़ा आया। और मेरा सेकेंड टाइम था यह एतकाफ़ में, तो फिर अभी मैं एतकाफ़ से उठा तो मुझे थोड़ा मार्केट जाना था क्योंकि मेरे पैंट शर्ट रह गए थे, तो फिर अब मैं उसके लिए मार्केट जा रहा हूँ, फिर आपको वहीं जाके मिलते हैं। तो अब हम पहुँच गए जमशेद गारमेंट्स की शॉप में। पैंट शर्ट की यहाँ पे काफ़ी अच्छी वैरायटी और शलवार कमीज़ मिलते हैं, ये दुकान है। और ये यहाँ पे शलवार कमीज़ के स्टॉल लगे हुए हैं। तो फाइनली हम दोनों पैंट और टी शर्ट ले लिए, और आप लोग भी जरूर दुकान में आइए। अपना कराची है मेन नागन चौरंग की, उसमें इनकी दुकान है जमशेद गारमेंट्स की दुकान के नाम है इनका, तो आप लोग आए विजिट करें इनकी दुकान में। और काफ़ी अच्छी क्वालिटी इनके पास का और काफ़ी रिजनेबल प्राइस भी। अभी हमने पैंट और टी शर्ट ले लिया और हम जा रहे हैं दूसरी दुकान में टीटो लेने के लिए, आपको वहीं जाके मिलते हैं। और ये अब हम पहुँच गए जूतों की दुकान में। शॉपिंग करने के बाद हमें भूख लगी तो हम पहुंच गए अभी मिस्टर मैक में, अंदर जाएंगे और खाएंगे। क्या खाएंगे वो आपको दिखाएंगे। अभी हम खाते हैं क्योंकि भूख बहुत लगी हुई थी, शॉपिंग करने गए हुए थे। पता है आपको, शॉपिंग करने जाते तो भूख बहुत लगती है क्योंकि चलते चलते बंदा फारिग हो जाता है, तो खा लेते क्योंकि ठंडा हो जाएगा, फिर मजे का खा लेते फिर खाने के बाद मिलते जी। और ये हमारा ऑर्डर आ गया है, ऑर्डर में बर्गर है बस, क्योंकि हम गरीब है, कोल्ड ड्रिंक लेने के पैसे नहीं हमारे पास, तो फिर हम लोग ने ये मंगवाया, उसके साथ केचप मंगवाया, कोल्ड ड्रिंक समझ के केचप पी लेंगे हम। तो हमने खा लिया है, मैं कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ फटाफट, फिर इसके बाद हम निकलते घर के लिए। घर में जाने के बाद फिर मुझे जाना है नाई की दुकान है बाल कटवाने के लिए, फिर आपसे वहीं जाके मिलते हैं। तो अब हम पहुंच गए नाई की दुकान में बाल कटवाने, क्योंकि मैं तारिक के साथ आया हूं बाल कटवाने। मैं बाल कटवा दूँ तो ये लोग कहते हैं कुत्ता लग रहा है, तो फिर मैं आज इनके नाई के पास आया हूं बाल कटवाने। तो बाल कटवाने तो फाइनली मेरे बाल वगैरह कटवा लिए, और मैं आज का ब्लॉग यही एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा उसे लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना मिले। इंशाल्लाह कल मिलूँगा ईद के ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।